अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? तो आज जो है हमारा थर्ड डे है और अभी भी हम मरी के अंदर ही हैं। तो अभी तकरीबन सुबह के 10 बजे मेरा ख्याल है, और अभी तकरीबन सारे उठ गए। और क्योंकि फ़िलहाल पानी गर्म तो नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम इस केटल के अंदर पानी डाल के गर्म करेंगे और जो है अपने मुँह धोने का या नहाने का इंतज़ाम करेंगे। चलें तैयार होकर आपसे बात करते हैं। सलाम वालेकुम। सो वी आर बैक, और अभी जो है हम मुंह शूँ धो के देख सकते हैं कि मुंह अभी पहले से ज़रा फ्रेश लग रहा है। तो रूम जो है हम एग्ज़िट कर चुके हैं, और अभी जो है हम एक स्लोप चढ़ रहे हैं जो कि काफ़ी हाई है, और प्लस हमने मेरे पास जो है एक ही बैग है। ये हमज़ा भाई अपने काफ़ी सारे बैग लेके आ रहे हैं। मैं पकड़ लूंगा तेरे पे। जहाँ पे थकूंगा दे दूंगा। तो सर्दी है लेकिन उस तरह की नहीं है, या शायद हमने आज ज़रा कुछ ज़्यादा सेफ्टी कर ली है। हम तभी किधर आएगी, क्योंकि मैं तो 2 दिन से सिर्फ जीन्स पहन रहा था, लेकिन कल जब बर्फ में हाल हुआ उसके बाद जो है मैंने जीन्स के नीचे एक ट्राउज़र पहना हुआ है ताकि सर्दी से बचा जा सके। अभी जो है जो स्लोपी वे था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और मेरी जैकेट कहाँ जा रही है। खैर अभी जो है हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। ओह क्या हुआ है? और सांसें सब बिल्कुल ख़त्म है। उह। 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 ये देखें जो दूसरों पे हंसते हैं उनके साथ ये होता है। अच्छा मुझे ऐसा लगा जैसे ना बासित मेरे को कुत्ता पड़ गया। खैर तो अभी जो है हम गाड़ी के पास पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा गाड़ी निकालते हुए। तो सामान वगैरह रख के फिर आपसे बात करते हैं। फाइनली गाइस हम गाड़ी में आ चुके हैं, और गाड़ी जो है वो अपने ट्रैक पे निकल चुकी है। चली तो नहीं है, ट्रैफिक थोड़ी सी यहाँ पर है। तो अभी हम जो है जाएँगे नथिया गली की तरफ, दोबारा ट्राई करेंगे कि हम वहाँ जा सकें। तो आज तो काफ़ी क्लियर है वेदर, तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और अभी जो हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और इन भाई को जो है ना मसाला भी डाल देना, भूख लग गई है। इन्होंने कोई ये चिप्स हैं वो मंगवाई हैं 50 रुपीस की। अच्छा ये लो, मतलब कैमरे के सामने ये पकड़ा के तो वहाँ कर रहे हैं ताकि लोग समझे कि इन्होंने मंगवाई ही नहीं। नहीं नहीं आप शुरुआत करें बसित भाई। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद वही पॉइंट आएगा जहाँ पे हम कल फंस गए थे स्नो फॉलिंग की वजह से। और आगे अब 2 दिन लगातार स्नो फॉलिंग है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि हमें आज ही वापस जाना चाहिए या, क्योंकि 2 दिन फिर ट्रैफिक नहीं चलेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी हम सोच रहे हैं कि क्या तो बेहतर है। फन करेंगे ना बर्फ के अंदर फन करेंगे। नहीं वो तो बात ठीक है, हम आए स्नोफॉल के लिए थे। तो चलें पहुंच के फिर आपको मज़ीद अपडेट्स देते हैं। तो अभी जो है हम तकरीबन अयूबिया पहुंचे हैं। तो प्लान हमारा ये बन रहा है कि हम नथिया गली के जो पास है ना वहीं पे कोई, मतलब अभी जो अगर हमें कोई नियर बाई होटल मिलता है तो उसके अंदर ही रूम वगैरह लेके तो यहीं पे स्टे कर लें, ताकि वापस पे भी हमें जो है वो उतना कोई मुश्किल ना हो। मैं तो फिलहाल गाड़ी से निकल के पैदल ही वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी जिस तरह वो चल रही है ना स्लो स्लो, तो उससे बेहतर है बंदा पैदल ही चले। लेकिन ये सर्दी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा है तो बेहतर है कि बंदा गाड़ी में बैठ जाए।
फाइनली जी हम लोग इधर पहुंच चुके हैं नथिया गली। तो यार हम नहीं गए, उससे पहले ही कोई जगह है, मुझे नाम उसका एग्जैक्ट नहीं पता, तो झींगा गली। तो यहाँ पे हम एक होटल में रुके हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा होटल है ये जी। होटल का कुछ व्यू है, लेफ्ट 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 ऊपर, नहीं नहीं इधर 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 ऊपर, हाँ। तो ये जी कुछ होटल के मनाजिर हैं, ये इसका व्यू है और जो रूम है हमारा वो ऊपर है। जो बंदा व्लॉग बनाता हो ना उसके एक आसानी होती है कि सामान जो है ना वो कम उठाना पड़ता है, और ये देखें ये सारे जो है ना सामान लेके आ रहे हैं। और अभी जो है ये थर्ड फ्लोर में हम आए हैं और अब मुझे कमरा भूल गया कमरा कौन सा है। ये देखें जी ये उनकी लॉबी है और फाइनली जो है ये सारे ऊपर आ गए हैं बशिंदे, आगे 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 से लेफ्ट। और अब इनको पता नहीं कि रूम जो वो किस तरह का है, रूम देख के सरप्राइज हो जाएंगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यस यस, फाइनली गाइस हम लोग रूम में आ चुके हैं। और ये आप क्या बने हुए हैं? जो ये रूम है ये हमें 6000 कह रहे थे लेकिन 5500 में जो ये रूम मिल गया। और ये रूम मैं और बासित भाई ही देखने आए थे। और ये देखें आदिल भाई जो हैं इस वक्त क्या कर रहे हैं कि हर 5 मिनट के बाद ना हेयर ड्रायर को अपने जो ब्लैंकेट और उसके अंदर डाल के तो अपना बेड गर्म कर रहे हैं। खैर यहाँ से आपको पूरा जो है बाहर का व्यू भी नज़र आता है जो कि बड़ा खूबसूरत है। अभी तो खैर कल यहाँ पे दोबारा स्नो फॉलिंग होगी तो फिर तो मतलब क्या ही बात होगी। और यहाँ पे भी ये क्रेन भी आया हुआ है जो कि स्नो को रोड से जो है वो साफ़ करता है। तो खैर अभी तो हम रूम में आ चुके हैं और अभी हमने कुछ खाया भी नहीं सुबह का, तो अभी हम जाएँगे नीचे कुछ खाने के लिए। तो अभी जो है हम बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और ये आदिल भाई जो है हमारे, इन्होंने ट्रिपल सॉक्स पहनी हुई है, जींस के नीचे ट्राउजर पहना हुआ है, जैकेट पहनी हुई है, उसके नीचे भी स्वेटर पहना हुआ है, मफलर लपेटा हुआ है, टोपी पहनी हुई है, और फिर भी ये कुछ कहना चाह रहे हैं जी भाई जान। जी अभी भी बहुत ठंड लग रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सर्दी लग रही है। माइनस में क्या हुआ है? माइनस आई गेस 6-7 था, पता नहीं इनको, यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी ठंड जो है वो लग रही है। तो अभी जो है हम एग्जिट करने लगे हैं रूम और हम जा रहे हैं खाना खाने। और सर्दी के जो है बहुत बुरे हाल हैं। शुज़ भाई ज़रा लॉक लगा दें काइंडली, जोर से प्रॉपर फैंस, ना 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 ऐसे नहीं। तो अभी जो है वो हमने डोर लॉक किए और अब हम जा रहे हैं नीचे। कुछ ऐसा दिखता है होटल, तो हमारा जो रूम है वो बिल्कुल ये बैक साइड पर है जो होटल है सॉरी, और रूम जो है हमारा वो ऊपर है, यहाँ से मैं भी नज़र आए बालकनी वाला जो है, और ये सारी जो है बर्फ़ पड़ी हुई है नीचे, और हम इधर ही खाना खाएंगे बैठ के। ये हाथ मेरा पॉकेट में है इसलिए ये सेफ़ है, लेकिन जो ये हाथ है ना ये फुल खत्म नहीं मिलेंगे। और एक और मज़े की बात यह है कि अभी हम खाना खाने बाहर आए हैं और हल्की हल्की जो स्नो है ना वो गिरना शुरू हो गई है। चलो चलो मेरी जो है वो सर्दी से बुरी हालत हो गई है, और हमारे जो दो बछिंदे हैं ना उनको पिक्चर्स की पड़ी हुई है। ये देखे कपड़े उतार उतार के पिक्चर्स ले रहे हैं, मतलब हद हो गई है। वो रहे आदिल भाई और बासित भाई, और मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि मेरी जो हालत है बहुत बुरी हो गई है। चढ़ना यहाँ पे इधर से,
تو سنو فال جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو گیا آہستہ آہستہ, اور بیٹری جو ہے نا میرے فون کی اس وقت لو ہے, تو لہٰذا میں آپ سے بعد میں جو ہے نا بات کروں گا. تو ابھی ہم لوگ ایک ریسٹورینٹ تھا, مطلب جو ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ تھا, تو ان کی جو سیٹنگ آف بیسمنٹ میں تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ساتھ نا ہیٹر بھی آفر کریں گے. تو ہیٹر ماشاء اللہ ان کا جس طرح کا ہے میرے پیچھے ہی نظر آ رہا ہے آپ کو, کہ نہ ہونے کے برابر وہ چل رہا تھا. تو ہم لوگ کو تھوڑا ڈرایا کہ یار اگر آپ نے ہیٹر نہیں دینا, وہ آپ نے بات کی تھی, تو اگر نہیں ہے تو آپ آرڈر کینسل کر دو. پھر الحمد للہ ہم یہ دے گئے چھوٹا سا سلینڈر, اور اس پہ جب ہم ہاتھ اپنے سیک رہے ہیں, بہت سردی ہے یہاں پہ, اور ابھی ہلکی ہلکی سنو فال بھی شروع ہو گئی ہے. تو بس فٹافٹ کھانا آئے, کھانا کھا کے تو ہم پھر روم میں جائیں. کھانا آ چکا ہے, ایک ہم نے چکن کروایا ہے اور ایک چکن جل فریزی ہے. تو اب ذرا ہم اپنی پیٹ پوجا جو ہے نا وہ کر لیں. فائنلی گائز وی آر بیک ان دا روم, اور ہیٹر کا جو وہ انتظام ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی باہر بہت سردی ہے, اور روم کیونکہ کافی بڑا ہے تو اتنے ہیٹر سے جو ہے نا کام تو خیر نہیں چلے گا, لیکن چلو ایٹ لیسٹ جو گزارا نا وہ ہو جائے گا. جو ہے ہمیں ہیٹر دیا ہے, ایک سلینڈر کے اوپر جو ہے کوئی ہیٹنگ کوئی نیٹ ہے وہ لگائی ہوئی ہے. تو اب ذرا ہم جو ہیں چائے پی لیں, کیونکہ چائے وہ بنانا میرا ڈپارٹمنٹ ہے, اور مجھے فون بھی چارج کرنا ہے. چائے جو ہے ہم ابھی بہت اچھی بناتے ہیں, تو ابھی یہ ہے کہ فون کی جو بیٹری ہے وہ بھی لو ہو رہی ہے, اور سردی جو وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ باہر ہلکی ہلکی جو ہے نا سنو فال شروع ہو چکی ہے. ٹائم تقریباً 6:15 ہو چکے ہیں, تو ابھی جو ہم چائے شائے پئیں گے. ایون سچ سردی یہاں پہ اتنی ہے کہ میرا جو فون کیس ہے یہ بھی تھوڑا سا شرنک ہو گیا ہے سردی کی وجہ سے, فون پہ چڑھ ہی نہیں رہا. تو خیر ابھی ہم چائے پئیں گے, اور کھانا تو ہم کھائے تھے باہر سے, اور اس کے بعد پھر اب فون میں چارج کر لوں ذرا اپنا, تو بس پھر اس کے بعد پھر آپ سے ہوتی ہے ملاقات. تو ابھی جو ہے تقریباً 7 بجے, اور باہر مجھے تو ایک کمبل اوپر لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے. باہر جو ہے نا سنو فال شروع ہو گئی ہے, بلکہ چھت سے ہی آ رہی ہے سنو فال نہیں ہے بلکہ, لیکن یہ ہے کہ ہوا جو ہے نا بہت تیز ہو گئی ہے. اچھا, اور یہ 7 بجے انہوں نے سب کچھ بند ہو گیا, یہاں پہ شاپس وغیرہ سب بند ہو گئی ہیں. بہت سردی یہاں پہ, بہت سردی ہے. ایون کہ میں نے ابھی بوتل سے پانی پیا, اور وہ اتنا ٹھنڈا تھا جس کا حساب نہیں ہے. سو گائز ابھی جو ہے نا رات کے لیے چائے کا سامان جو ہے نا وہ ختم ہے, اور کچھ کھانے کے لیے جو ہے نا میگی وغیرہ ہم دیکھ لیں گے, تاکہ ہم وہی جو ہے نا کیٹل کے اندر بنا سکیں, کیونکہ دکانیں وغیرہ جو ہیں وہ تو فی الحال بند ہو گئی ہیں. تو ابھی میں اور شہزیب جو ہے نا باہر جا رہے ہیں, کہ اگر اللہ کرے ہمیں کوئی دکان مل جائے. اوہ دکان تو وہ سامنے ہے, اتنی دور کون جائے گا. بہرحال میں تو بلینکٹ لپیٹ کے باہر جا رہا ہوں, سردی بہت ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. وہ ابھی گرنے والا تھا میں. اس وقت ساری سنو جو ہے نا وہ بلڈنگس کے اوپر سے گر رہی ہے نیچے, بلکہ پانی بن کے جو ہے نا نیچے گر رہی ہے, اور وہ دھیان سے شزیب سلپ رہی ہے. نکل, اور یہ شزیب سلو 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 سلو. اور ابھی تو یہ ہے کہ میرا منہ جو ہے وہ اس طرف, اور ہوا جو ہے میرے پیچھے سے آ رہی ہے, تو جانا تو آسان ہے, لیکن جب میں نے واپس مڑنا ہے تو سارا کچھ منہ پہ پڑنا ہے. خیر شاپ جو ہے وہ آ گئی ہے, تو یہاں سے ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمیں دودھ وغیرہ مل جائے, تاکہ جلدی جلدی جو ہے نا وہ روم میں جائیں. گائے سامان جو ہے نا ہم نے لے لی ہے, اور ساری برف منہ میں جا رہی ہے, کیونکہ جو ایئر فلو ہے وہ ہماری طرف کا ہے, تو جب ہم آ رہے تھے تب تو خیر فیل نہیں ہوا, لیکن اس وقت سب کچھ جو ہے نا منہ میں پڑ رہا ہے. لائٹ بھی نہیں ہے, ادھر لائٹ ہے. تو پانی کی بوتل میں نے پکڑی ہے, بقایا سامان جو ہے نا وہ شہزیب کے پاس ہے. تو ابھی روم میں پہنچ کے آپ سے بات کرتے ہیں. شہزیب یار ہریرا کہاں پہ ہے؟ یہ دیکھیں بھائی جان, اب ہریرا بھائی آئے ہیں باہر سے پانی لے کے. ہریرا بھائی کیا صورت حال ہیں باہر کے؟ یہ آپ ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں, یہ ابھی باہر سے آئے ہیں طوفان میں. جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کال کر رہا ہوں. یہ آپ کر کے رہے ہیں؟ یہ بھائی میں آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں بھائی, کیونکہ آپ باہر سے آئے ہیں نا. باہر ٹھنڈ کتنی ہے اس ٹائم؟ کیا صورت حال ہے باہر کی؟
ठंड यार इस वक्त बहुत ज्यादा है। और तूफान के क्या सूरत हाल है, स्नोफॉल हो रही है कि नहीं? नहीं बात कुछ हुआ, कुछ छते है ना, अच्छा वहाँ से बर्फ नीचे गिर रही है। अच्छा, और हवा का जो प्रेशर है बहुत तेज है। अच्छा, तो सब कुछ इस वक्त मुंह पे आ रहे हैं। अच्छा, और हमें दुकानदार ने बताया कि जो स्नोफॉल है वो मजीद दो दिन तक रहेगी। अच्छा, और कल जो रास्ते टेम्परेरीली जो है ना बंद हो जाएंगे ये स्नो की वजह से। हाँ जी, जो क्रेन यहाँ पे खड़ा हुआ वो क्रेन सफाई करेगा। ठीक है, तो फिर पॉसिबिलिटीज है रास्ता खुल जाए। ठीक है, अदरवाइज नो पॉसिबिलिटीज। ओहो, ये देखें जी, अब हरारा भाई अपने आप को नॉर्मल कर रहे हैं टेम्परेचर की। ये भी ठीक है यार, हद हो गई है यार। अब देखो चैनल मेरा सिर्फ मैं तुम लोगों के ऊपर कर सकता हूं। अच्छा, तुम मजाक नहीं उड़ा सकते हरारा भाई, कुछ अपने आप पे भी थोड़ा सा होना चाहिए ना। ये देखें, अब हरारा भाई जो है ना अपने आप को रूम टेम्परेचर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आदिल भाई ने कैटल के अंदर मैगी बनाई थी, तो अब हमारा भी थोड़ा सा मूड हो रहा है कुछ खाने का। तो तकरीबन 10:30 हो चुके हैं अभी, और मैं और बासित भाई जो है ना अभी मिलके मैगी बनाएंगे। ये जी अभी हम लोग जो है मैगी को कैटल के अंदर डालेंगे। एक पैकेट बाहर में ना, बाहर में पानी हम चेक कर लेते हैं। पानी ठीक है, पहले इसको क्रश कर लेना। एक मिनट, ये तो निकाल। चलो बस ठीक है, डाल दे अंदर। हाँ थोड़ा है, चलो। ये जी कैटल हो गई है। बहरहाल इस कैटल ने हमारा बहुत साथ दिया है, मरी से लेकर मथिया गली तक है। अभी मैगी बनती है, फिर आपसे बात करते हैं, फिर बताएंगे आपको कैसी बनी है। हमारी जो मैगी है वो तैयार हो चुकी है, और ये भाई साहब पहले मैगी खा चुके हैं अपने हिस्से की, और इन्होंने हमें मशवरा दिया था जी ऐसे से करो, हालांकि हमें बनानी आती है। और अब उन चक्रों में ये एज अ कमीशन जो है ना हमसे मजीद मैगी मांग रहे हैं, लेकिन आपको हम नहीं देंगे, आप पीछे हो जाएं। हाँ डॉट हिल यार, आप आदिल पीछे हो जाओ, जिस तरफ हमारी है। नहीं मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। किसने बनाई है फिर ये? जब तुमने बनाई मेरे से लिया था ना। मैंने बनाई है ये, बासित भाई ने बनाई है। पहले इसने एक बनाई है, जरा ये मसला सुलझा लें फिर आपसे बात करते हैं। ये हमारी मैगी तैयार हो गई है, तो क्योंकि इसमें थोड़ा नमक कम था, नहीं आपको मिल जाएगा हिस्सा यार, और क्योंकि इसमें थोड़ा नमक कम था तो हमने ये जो बिस्किट है ये डाल दिया इसके अंदर। सो गाइस, अभी जो है रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं, और सर्दी जो है यहाँ पे बेतहाशा है। अभी भी हमने चाय पी है, और आज हमारा जो ना तीसरा दिन है, थर्ड नाइट है हमारी। तो अभी ये सारे जो हैं बासित, शाहजेब, आदिल और जो हमजा भाई हैं वो थोड़ा सा हमसे दूर हैं, और ये उधर सो रहे हैं। तो अभी जो है हम लेटे हुए हैं, क्योंकि अभी शायद स्नो फॉलिंग जब रातों की शुरू हो जाए, तो खैर अभी जो है हमें नींद तो नहीं आई हुई। तो लेकिन यह है कि आज का जो हमारा डे है और नाइट है वो अब होती है ख़त्म। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, यानी कि हमारे फोर्थ डे पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। I live inside my own world of make-believe.